कुमार, आप देख रहे हैं देशदी न्यूज़। मैं मौजूद हूं आयुक्त कार्यालय में, जहां एनडीए के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपना नामांकन राज्यसभा के लिए आज दर्ज किया है। तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे और माननीय नीतीश कुमार भी खुद अपने मौजूद थे, और तमाम जो कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता और विधायक सारे लोगों ने उनके साथ आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन किया। पहली बार आयुक्त कार्यालय में नामांकन राज्यसभा के लिए हुआ, इसके पहले हमेशा विधानसभा में हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है आयुक्त कार्यालय में किया गया है। और बाहर निकल के उन्होंने सारे नेताओं ने उन्हें कह सकते हैं फूल देकर उन्हें सम्मानित किया है और कहा कि जीत के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और क्या कुछ कहा है पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने, आप भी उनकी बातों को सुनिए। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी और हम पार्टी के अध्यक्ष श्री जीतनराम मांझी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सभी विधायकों ने और समर्थन का हस्ताक्षर किया है। इसलिए मित्रों, मैं फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व को और हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं, उन सभी लोगों को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन।